सो गुड इवनिंग एवरीवन। जो हमें बुद्धि चाहिए हर वक्त हमारे मन को स्थिर रखने के लिए, तो बुद्धि के तीन तरीके होते हैं। एक तो मैंने जैसे बताया था ध्यान करना हर रोज, मेडिटेशन। एक है हमारे जो तजुर्बे होते हैं जिंदगी के, वो हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। तो तजुर्बों को एक इंग्लिश में कहावत है स्टंबलिंग ब्लॉक्स लीडिंग टू स्टेपिंग स्टोन, मतलब जो भी आपके स्टंबलिंग ब्लॉक, मतलब जो जब आप गिरे हैं और बिल्कुल जैसे गिर गए, गिरते गिरते फिर आप उठते हैं, तो आप कब कैसे उठते हैं, जब आपके आपको आपके सामने कोई रोशनी नजर आती है या फिर आपके अंदर एक जरूरत आ जाती है, तब आप उठने का पूरा प्रयत्न करते कि नहीं मुझे तो ये जरूरत पूरी करनी है। कि अगर एक माँ बीमार भी हो जाती है लेकिन अगर बच्चे के लिए खाना पकाना है तो वो अपने बुखार में भी उठ के खाना पकाएगी। तो ये जो तजुर्बे हमारी जिंदगी के बिल्कुल वैसे होते हैं, स्टेपिंग स्टोन, मतलब कि जो तजुर्बे हैं, अगर आज आप अपने तजुर्बों की डायरी लिखेंगे कि कब कब आप गिरे और उसके आगे आप एरो लगाइए, हर वक्त जब आप गिरे तो आपने उससे क्या सीखा। क्योंकि कहते हैं ना कि गलती आपकी सबसे बड़ी टीचर है, उससे सीखना है, उसको दोहराना नहीं। तो ये चीज हमारे को बुद्धि सबसे ज्यादा देती है, हमारा तजुर्बा। और तीसरा है नॉलेज, ज्ञान। तो जब तजुर्बा आता है तो ज्ञान एक तो इस तरह अब खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। बाकी जब हम लोगों से मिलते हैं उनसे ज्ञान मिलता है, टीचर से ज्ञान मिलता है, और हमारे को किताबें पढ़ने से ज्ञान मिलता है। आजकल तो हम गूगल भी हमारे पास है, हमारे को ज्ञान बहुत मिल जाता है। तो इस साइकोलॉजी में ये स्टडी करी गई है कि जो ज्ञान और जो तजुर्बे से सीखी हुई बुद्धि है, जो बुद्धि आपकी जागृत होती है, वो कभी वापस नहीं जाती है, वो परमानेंट रहती है, वो टेम्प्ररी नहीं रहती है। तो इसीलिए आपको इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है कि जो मेरी जिंदगी के तजुर्बे हैं वो मुझे बुद्धि देती है, और उन उन तजुर्बों को मुझे इम्पोर्टेंस देनी है, मुझे जरूर सीखना है कि मैंने पहले क्या किया था जो काम नहीं आया, अब मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मेरे काम आ सकता है, मैंने जो पहले गलती करी थी उससे मुझे सीखना है। अब काम करने के कुछ चेहरे होते हैं, कुछ सीखते हैं हम काम से, सिर्फ काम नहीं करते, काम का एक नजरिया और होता है। मैं उन नजरियों को मैंने तीन पॉइंट्स में लिखा है। एक है कि काम हमारे को एक तो उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है उठने के लिए। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक हफ्ते की छुट्टी ली थी अपने सेशन से, तो मेरा जो दूसरे काउंसलिंग के सेशन से, तो मैंने खुद रियलाइज करा, क्योंकि मैं भी अस्पताल नहीं जा रही हूँ, काम घर से कर रही हूँ, कहीं अंदर बाहर कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, तो कभी कभी एक वो आलस सा आ जाता है कि ओहो फिर से वही, फिर से उठो, अब फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना, अब कैसे करूं। लेकिन जो मैंने तभी मैंने एक हफ्ते की छुट्टी ली क्योंकि मैं अपने मन को शांत करना चाह रही थी, और जैसे ही मैंने अपने मन को शांत करा तो मेरे को एहसास हुआ कितना अच्छा लगता है उठना और काम को आगे देखना कि हाँ मेरे पास काम है। क्योंकि जब मुझे लोगों से पता चलता है कि काम नहीं है, तो फिर मुझे इतना अंदर से ग्रेटिट्यूड होता है, इतना थैंकफुल होती हूँ कि मेरे पास काम है, तो मैं क्यों थक रही हूँ। तो ये काम जो है हमारे को एक तो उत्साहित करता है, काम हमारी जिंदगी में हमेशा रहना चाहिए, उसको हमेशा आप सकारात्मक मनोविज्ञान से ही देखा कीजिए कि वो हमारे को हमेशा पैरों पे खड़ा करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि काम को हम कौन से नजरिए से देखते हैं, कि हाउ कैन यू सर्व द कम्युनिटी विद योर स्किल, कि आप अपनी कम्युनिटी को अपने रुचि से और अपनी रुचि के परफेक्शन से, एक्सपर्टीज से कैसे आप अपनी कम्युनिटी को के अंदर सर्विस कर सकते हो। तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म लीड का है, ये प्लेटफॉर्म है ही इसी का, जिसमें दिल खोल के रुचि अलग अलग है
और आप अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हो वो भी बहुत जरूरी है समझना। तीसरा जो एस्पेक्ट है, जो नजरिया है काम का, वो है कि जब आप काम के लिए जाते हैं तो वो एक वो प्लेटफॉर्म है, वो एक जगह है जहां पे आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। एक फिलोसफी का एक अंडरस्टैंडिंग है, फलसफा का एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, जिसमें कहते हैं कि जब तक हम लोगों से नहीं मिले तब तक हमारे जो अंदर की जो आत्मशक्ति है और वो आत्मशक्ति सर्कुलेट नहीं होती है एक दूसरे के साथ, तो हम हमारे अंदर वो सक्सेस नहीं आता। तो अगर हमारे को जिंदगी में सक्सेस लाना है तो वो आइसोलेशन में नहीं मिलेगा, मतलब एक अकेला मैं रहूं और जैसे मैं कहूँ वैसा चले, ऐसे कभी नहीं मिलेगा। उसमें थोड़ी देर की ऑटोनोमी, थोड़ी देर की आत्मशक्ति मिलती है, लेकिन वो बाद में अपने आप नीचे गिरना पड़ता है। तो काम के तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है। एक तो वो आपको उत्साहित करता है कि मेरे को उठना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे काम करना है। दूसरा, आपका जो अपना स्किल है, आपकी रुचि है, आप अपनी रुचि से अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें आप आत्मनिर्भर भी रहते हैं और कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं, वो भी आपको उत्साह देता है। तीसरा, आप लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं तो उसमें खुद ब खुद सक्सेस मिलता है। ये एक शक्ति है जो हमारे पास ऊपर से आई है, इसमें हमारे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ लोगों से मिलना, उस प्लेटफॉर्म में जाना से ही एक शक्ति आ जाती है। और उससे हमारी एक और चीज बहुत अच्छी होती है, जब आप लोगों से मिलते हैं, जैसे हम लोग टॉक कर रहे हैं और बाकी भी आपके टॉक्स होते हैं, आपको इतनी ट्रेनिंग मिलती है, आप सिर्फ सेंटर नहीं, आप अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने कॉलोनी में, अपने जगह पे, आप जहां जहां लोगों से मिलेंगे, गांव में जो लोगों से मिलेंगे, बाहर भी, तो आपके अंदर एक जिंदगी की बुनियादी बातें भी शुरू हो जाती है। तो वो जो जिंदगी की बुनियादी बातें ही हम कर रहे हैं अपने, क्योंकि ये बुनियादी बातें ही हमारे मन को स्थिर करती है। तो ये बुनियादी बातें जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो अगेन एनर्जी एक्सचेंज होगा, फिर से आत्मशक्ति का एक एक्सचेंज होगा, वो भी आपके आपको गुड फॉर्च्यून जिसे कहते हैं, गुड लक, आपको उससे गुड लक मिलता है। तो लोगों से मिलना, काम और रुचि के बारे में बात करना और ये बुनियादी बातें करने से भी आपको लक मिलता है, जो लक आपके काम में काम आता है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की। पोटेंशियल मतलब क्षमता। ये जाना जाता है कॉमनली, बहुत ही कॉमनली जाना जाता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ जो कामयाब होते हैं या बहुत इंटेलिजेंट, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं या फिर जो काम में बहुत सक्सेसफुल है, उनमें ही क्षमता है, बाकी किसी में क्षमता नहीं है। तो अब आप मन हार के बैठ जाते हैं, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब रोटी सब्जी कमानी है, दाल रोटी कमानी है, दाल रोटी कमाओ, चुपचाप सो जाओ, उठो अपना जाओ कमाओ। गलत। तो ये साइंस ने प्रूव करा है कि क्षमता हम सब में है, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, शौक अलग अलग हो सकता है, क्षमता हम सब में। हाँ ये है कि इंटरेस्ट अगर शौक अलग अलग है तो वो शौक से ही हमारी क्षमता उभरती है। तो अगर मेरे अंदर क्षमता है टीचिंग की, तो मैं चाहे जितना भी मेरे परिवार चाहे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं शायद परिवार की बात मानकर डॉक्टर बन सकती हूँ, लेकिन मेरी जो क्षमता है वो टीचिंग में है, वो एक अध्यापिका की बनने की, अध्यापक बनने की है, तो मेरी जो पोटेंशियल है वो उसी में निकलेगा। तो डॉक्टर का कितने ऐसे केसेस होते हैं और कितनी कहानियां सुनने को मिलती है, जिसमें एक कहानी, एक केस ये भी है कि एक कैंसर का सर्जन था, है अभी भी, मेरे केस में आया था तो बहुत कुछ साल पहले, तो वो सर्जरी करते करते उसके भावनाओं पे बहुत असर होने लग गया, मन पे असर होने लग गया, तो बहुत मायूस होने लग गया कि मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। अब उसके माँ बाप ने बोला डॉक्टर बनने को, बन तो गया, वो भी कैंसर का,
उसने वो सब छोड़कर फिर केस केस सेशंस होते गए, उसको अपनी रुचि पता चली और उस रुचि से उसको पता चला कि उसके अंदर ऑथरशिप की रुचि है, मतलब किताब लिखने की रुचि है। तो अब वो बहुत बड़ा ऑथर बन चुका है। तो उसने वो मेडिकल के लिए भी किताब लिखता है, आर्टिकल्स भी मैगजीन में लिखता है और फिक्शन की भी नॉवेल्स लिखता है, कहानियों की भी किताबें लिखता है। तो रुचि हमारी अपनी होती है, क्षमता सब में इक्वल होती है। इसलिए आप इस चीज को बांध दीजिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे में क्षमता कम है, उसमें क्षमता ज्यादा है, गलत। हम सब में क्षमता एक जैसे है, बस अपनी रुचि को पहचानना जरूरी है। ये साइंस कहती है और इसको प्रूव कर चुकी है। हमारी रुचि, हमारी जो क्षमता होती है वो होती कहाँ पे है? हमारे जो दिमाग के इस हिस्से में क्षमता पाई जाती है और इसी हिस्से को मेजर करा हुआ है, टेस्ट करा हुआ है कि सब दिमाग में क्षमता का जो हिस्सा है इक्वल है। ठीक है, तो बस अपने अब इस क्षमता के अंदर जो रुचि है वो लानी कैसे है? वो सोच कर लानी है। आप सोचिए, ध्यान में बैठिए, जैसे मैंने कहा ध्यान में हमेशा कोई ना कोई एक टॉपिक ले लीजिए जिससे आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा। तो आप उस क्षमता का टॉपिक ले लीजिए कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी मेरा रुचि क्या है। सोचिए और बार बार उसके बारे में ध्यान में सोचिए, आपको पता चल जाएगा। एक और मैं अपने क्लाइंट्स को भी टिप देती हूँ कि आप खुद आंखें बंद करके सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है कि जैसे ही मैं आंखें सुबह खोलूं और मेरा मन करे काम के लिए भागने का, वैसा वो कौन सा काम है जो मैं काम के लिए भाग सकती हूँ, भाग सकता हूँ। इसी रुचि में, इसी क्षमता में आपने एक और नजरिया देखना है कि रुचि सिर्फ खुद के लिए नहीं होती है, रुचि होती है उद्देश्य देने के लिए। जैसे पिछले 2-3 सेशन से मैं कहती आई हूँ कि हम सबका कोई उद्देश्य देने का, यहाँ पे आने का निर्माण किया गया है ऊपर वाले ने। तो अब हमने क्या उद्देश्य देना है, वो उद्देश्य हमारा हमारी रुचि से ही निकल सकता है। अगर मैं आर्टिस्ट हूं तो मैं आर्ट के द्वारा लोगों को उद्देश्य दे सकती हूँ कि अगर किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, या फिर मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया बहुत खुश रहे, तो मैं आर्ट के द्वारा बहुत हैप्पी पिक्चर्स बनाऊंगी और लोगों को खुश रहने का उद्देश्य दूंगी। अगर मैं सिलाई का काम कर रही हूँ तो मैं क्या उद्देश्य दे सकती हूँ कि कपड़ों से एक इंसान कितना खूबसूरत लगता है, और कपड़ों से आप अपने दिमाग को कैसे नर्चर करते हो, अपने दिमाग की एक्सरसाइज करते हो, कलर्स मिलाते हो, और मशीन से आप स्टिचिंग करते हो, आप धागा मैच करते हो, कितने आप दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना? तो वो भी आप अपने क्लाइंट्स और आप अपने सगे संबंधियों को जब सेंटर में सिलाई के लिए बुला रहे हो, तो उसमें एक तो खूबसूरती आ गई और दूसरा आ गया कि आप उन औरतों, उन लोगों के दिमाग की एक्सरसाइज करा रहे। फिर ये एक्सरसाइज किस पे काम आती है? ये एक्सरसाइज आपके हर रोज दिनचर्या में काम आती है। किससे, कैसे आप उठते हैं, बैठते हैं, लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, और कैसे, और कहा जाता है साइकोलॉजी में एक और चीज कही गई है कि आपकी भावनाएं आपके चेहरों पे नजर आती है। तो ये बात कुछ डॉक्टर्स ने मनगढ़ंत कह दी थी, लेकिन साइकोलॉजी की स्टडी ने इस चीज को प्रूव कर दिखाया है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे चेहरे पे आ जाती है। तो आप सोचिए कि जब आप खुश होएंगे, आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आर्ट कराती हूँ, आर्ट थेरेपी कराती हूँ किसी क्लाइंट को, तो मैं कोई भी सेशन वन ऑन वन, ग्रुप में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर एक क्लाइंट के साथ सेशन है, तो मैं आर्ट करे बिना नहीं छोड़ती, चाहे वो कुछ भी करे। तो वो कभी कभी हैरान हो जाते, बहुत मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि आपको पढ़ने का टाइम तो नहीं मिल रहा आर्ट, आप सेशन 5 मिनट खत्म होने से पहले आपको, नहीं आर्ट जरूर कर रहे हैं। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि मैं आपके दिमाग को खोल रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो ये बाद में समझाना पड़ता है, जब एक दोस्ती बन जाती है, एक रिश्ता बन जाता है,
उनको भी पता चल जाता है, एक विश्वास जीत लेती है उनका, तो बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। तो फिर वो खुल के पूछ लेते हैं कि क्यों करा रहे हो, तो मैं बता देती हूँ। तो प्रोफेशनल दायरे तो रखने पड़ते हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी बातें बताकर ही मैं उनको उनके दिमाग को खोल रही हूँ, समझा रही हूँ कि हमें अपने नजरिए, जो पुराने नजरिए, उसमें अगर हम बंद के रह जाए तो जो जैसे दुनिया बदल रही है, हम अपने आप में बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम में एक उद्देश्य का बीज जरूर होइए, क्योंकि उससे आप हर एक इंसान जो आपकी जिंदगी में आएगा, आप उसके दिमाग को खोल सकेंगे। मेरे हॉस्पिटल में बहुत यंग बच्चे आते हैं, 25-26 साल के, जो अपना मास्टर्स करके आते हैं, साइकोलॉजी के साइकेट्रिस्ट भी अभी MBBS करके आते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में एक रूल बना दिया गया था कि मेरे रूम में 4 सेशंस वो मेरे पास जरूर निकालेंगे आर्ट थेरेपी में, क्योंकि आर्ट थेरेपी से एक जो उनके हमारे दिमाग का कुछ एक हिस्सा है जहाँ पे कोई भी नहीं छू सकता, वो आर्ट छू सकता है। तो जितने भी डॉक्टर्स नए आते हैं, साइकोलॉजिस्ट नए आते हैं, वो 4 सेशन मेरे साथ जरूर लेते हैं। तो उनको भी एहसास हो गया कि कैसे हम बैठकर आर्ट के ऊपर बातें करके, हमारा दिमाग, हम सोचे थे हम डॉक्टर हैं, हमारे को सब कुछ आता है, लेकिन वो जो एक चीज आप बता देते हैं, उससे हमारा दिमाग खुल जाता है। तो मैं उनको सीधा बोल देती हूँ कि मैंने अपने काम को अपना एक उद्देश्य बनाया हुआ, कि मैं इस टेबल के पीछे बैठकर मैं एक उद्देश्य देना चाहती हूँ सबको कि जिंदगी को किस नजरिए से देखो। तो जैसे ही सबका नजरिया एक अपने मेडिकल फील्ड में भी बदल जाता है, तो वो सिर्फ मेडिसिन को एक सीरियस सिचुएशन ना लेकर देखते हैं कि अगर हम एक मरीज को ठीक कर रहे हैं, तो उस मरीज के साथ मैंने एक रिश्ता निभाना है। ये मरीज शायद मेरे पिछले जन्म से किसी वजह से मेरे पास आया है, तो मैं इसके साथ रिश्ता निभाऊंगा। तो वो जैसे ही अपनापन आ जाता है, तो आपको वो इंसान गैर नहीं लगता, क्लाइंट नहीं लगता। इसको कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मतलब इंसानियत निभाने का एक अप्रोच होता है, एक टेक्निक होता है जो हमें अपने काम में निभाना चाहिए, जिसके बिना हम जितना भी सक्सेस चाहे, थोड़ी देर का मिलेगा लेकिन बाद में मायूसी मिलती है। लेकिन अगर खुश रहना है, फेशियल एक्सप्रेशंस को खुश रखना है, तब जब तक आप अंदर से खुशी आपको नहीं मिलेगी, आपके फेस पे खुशी नहीं आएगी और आपके पूरे रोम रोम में खुशी नहीं आएगी, तो आप वो एनर्जी अपने काम में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो काम को आप जब नजरिए, 3 नजरिए से देखना है, उसको कहते हैं ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती का काम, आपके मन का, आपके रुचि का काम। दूसरा उसको कहते हैं बेनिफिट, कि आपको इस काम से मिल क्या रहा है, कि आप अर्निंग क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा भी बहुत जरूरी है, तो ब्यूटी, बेनिफिट एंड गुड, कि आप इस काम से कम्युनिटी, एक इंसान, 2 इंसान, 1,000 इंसानों के लिए क्या कर सकते हैं। उस इन तीनों के बिना काम का जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो इनकम्प्लीट मिलेगा, अधूरा मिलेगा। इन तीनों को काम में डालने से आपको सक्सेस 100% मिलेगी। ठीक है, अब मैं जानना चाहूंगी, आप बताना चाहूंगी कि जब हम अपना आत्म विकास करते हैं काम से, सेल्फ डेवलपमेंट, ये जो जो मैंने आपसे बातें कही है, उसमें आपका आत्म विकास बनता है, तो उसमें उस लेवल तक जाने के लिए आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान, हर रोज, चाहे आप सुबह 20 मिनट बैठे, चाहे आप शाम को 20 मिनट बैठे, आपको स्वयं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल वैसे जैसे आप जिम में जाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप वेट लूज करेंगे, आप 1 महीना जिम नहीं जाएंगे तो आप वेट पुट ऑन कर लेंगे, फिर से आपके वेट पुट ऑन हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जो हमारी इंद्रियों का जो एक्सरसाइज है, वो आप सुबह और शाम करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास, आत्मविकास और आपका जागृत होता रहेगा।
आप अपने आप को रिफ्रेश करना कभी नहीं भूलेगा। तो ये आपका ये एक नेचुरल है, ये नेचर है, ये प्रकृति का रूप है। जो हम जैसे ही हमारे को इस चीज का ज्ञान मिलता है कि ये प्रकृति का रूप है, तो हम इस चीज को करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होता तो हम इधर उधर से बातें सुन लेते हैं, चुपचाप कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो मन नहीं लगाएंगे उस ज्ञान के ऊपर और एक विश्वास नहीं आएगा, कन्विक्शन नहीं आएगा, तब तक आप रिजल्ट नहीं देखेंगे। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है कि जो भी मैं आपसे ज्ञान शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन ज्ञान शेयर कर रही हूँ आपसे। जब आप में खुद की जागृति आ जाती है तो क्या होता है कि आप में आत्मविश्वास आएगा। और एक बहुत ही प्यारे चार शब्द मैंने जब मैं लिखती हूँ इस टॉक के लिए तैयारी करती हूँ, मेरे दिमाग में आया, ग्रेट सेंस ऑफ एनर्जी आई। तो ग्रेट सेंस ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो मैंने शब्दकोश में देखा, उसको कहते हैं कार्य ऊर्जा आएगी, ब्रह्मांड ऊर्जा आएगा। सो आत्म जागृत करना बहुत जरूरी है, जिसमें कार्य की ऊर्जा भी आती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा की शक्ति आती है, और आपके अंदर से वो शक्ति उत्पन्न होती है जो हम सब में है, राइट? आपका ब्रेन आपको जरूर सपोर्ट करेगा जब आप सुबह और शाम ध्यान देंगे। अब मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शेयर करना चाह रही हूँ जी, कि अब आप काम में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो अब आपने अपने माइंड को कैसे तैयार करना है काम के लिए। काम में ऐसी क्या साइकोलॉजी है जो जाननी जरूरी है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियरल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान। तो ये जो साइकोलॉजी होती है, ये जो मनोविज्ञान होता है, ये पढ़ी लिखी, स्टडी करी हुई, रिसर्च करी हुई, श्योर शॉर्ट सक्सेस देने वाली साइकोलॉजी है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो आप जानते हैं, लेकिन शायद उसको एक सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आप इसको आप एक चैप्टर की तरह लेंगे, एक पार्ट की तरह लेंगे, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये करना जरूरी है, ठीक है? पहला पॉइंट उसका ये है, अपने काम की, आज से आप सोचिए कि अपने काम की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करना है। दो चीजें, एक ब्यूटी, बेनिफिट और गुड। मतलब आपने ये काम की जो क्वालिटी है, सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैं जो काम करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, किसके लिए? अपने लिए, सबके लिए और अपने खुशी के, है ना? अपने लिए मतलब अपने परिवार के लिए, मैं कुछ कमाऊंगी, कमाऊंगा, अपनी खुशी के लिए और सबके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप अब कैसे करेंगे इस चीज को कि चलो मेरे को अपने काम की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो कैसे? आप फिर से सोचेंगे, क्योंकि अब आप ध्यान कर रहे हैं, आपके अंदर जागृति आएगी, अब आप काम को दूसरे नजरिए से सोचिए, फिर से सोचिए नजरिए से, और अपने काम के डिसीजन मेकिंग, फैसलों में इन्वॉल्व हुए, दूर बैठेंगे, शर्माएंगे, तो ऐसी शक्ति तो भगवान ने किसी को नहीं दी। सबको भगवान ने वो शक्ति दी है फैसले लेने की। अगर घर में एक चीज आप याद रखिए, ये भी एक साइंस ने प्रूफ दिया है, क्योंकि कलिनरी थेरेपी भी होती है, खाने की भी थेरेपी होती है मनोविज्ञान में, कि जो इंसान खाना पकाना जानता है उसकी क्षमता को कभी डाउट नहीं कर सकते, कभी शक नहीं कर सकते, क्योंकि खाने पकाने में जो पुर्जे, जो दिमाग के हिस्से काम करते हैं, आप कभी इसके बारे में पढ़ना, वो कोई डॉक्टर के पुर्जों से काम कम नहीं करते। तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं सोचेगा। अगर आप खाना घर में पकाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं, आप आ, 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 मसाले मैच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं, नए नया खाना पकवान दे रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी भी आप कहीं दूर बैठकर मत सोचिए,
तो ये जो सोचने का है, एक दूसरे के साथ फैसले करने का है, तो इसमें मैंने एक सेशन में एक एग्जाम्पल दिया था। मेरी सीनियर थी स्कूल में, जो अहमदाबाद में स्कूल, उन्होंने बहुत ही प्यारा स्कूल बनाया है। तो कैसे हम लोग अपने, आप लोगों के भी स्कूल्स हैं, कैसे आप लोग जब सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, कैसे मैंने आप लोगों को देखा है कि आप नीचे आराम से बैठकर या टेबल पे बैठकर, आप इकट्ठे बैठकर आप सोच रहे होते हैं। तो ये हर काम में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं तो नाजुक है, दिमाग हमेशा नाजुक रहता है। सिलाई में भी आप ऐसे बैठिए, आपको ये नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ ही प्यार से बात करनी है, छोटे बच्चों के साथ ही नम्रता दिखाना है। नम्रता हर जगह दिखाइए। कौन सा ऐसा इंसान है आप मुझे बताइए जिनको नम्रता अच्छी नहीं है, कोई भी। तो हर काम में नम्रता से आप इकट्ठे बैठिए और बिल्कुल जैसे स्कूल का सिलेबस बनता है, बिल्कुल वैसे आप अपने पार्लर का काम हो, चाहे सिलाई का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, इकट्ठे बैठ के फैसला कीजिए। चाहे आप दिया दिया को क्राफ्ट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो बैठिए उसको स्केच कीजिए, क्योंकि वो क्या है ये कोई मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसको आई होप समझें कि काम कुछ नहीं है। आज काम है कल नहीं है, अगले जन्म में आपको पता भी नहीं चलेगा कि पिछले जन्म में आप थे कौन। आप काम सिर्फ एकत्रित होने का एक जरिया है, काम एक दूसरे के साथ बात करने का बहाना है, काम अपने मन को शांत करने का एक जरिया है, काम एनर्जी एक्सचेंज करने का एक जरिया है ना। और काम इकोनॉमी जो हमारी देश में आप क्या वृद्धि ला सकते हैं वो डेफिनेटली उसका जरिया है, वो तो कहने की बात ही नहीं है। तो काम का जब नजाम की तरफ जब आप नजरिया अपने बदल देंगे तो आपके अंदर से हारापन जो होता है वो नहीं रहकर, हेल्पलेसनेस नहीं रहकर, उतावलापन आ जाएगा आपके अंदर, एक नया शौक आ जाएगा कि हम काम को कितना सीरियस से जाओ, फटाफट करो और खत्म करो, बैठो स्केच करो, ड्रॉ करो कि ऐसा डिजाइन कर लेते, चलो एक सैंपल्स बना लेते हैं। जितना बात करने का मौका मिले काम के ऊपर, काम के ऊपर टॉपिक, गॉसिप नहीं, काम के टॉपिक के ऊपर जितना बात करने का मौका मिले उतना ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। और आखिर में 80-90 साल में ये दिमाग ही है जो आपको आपके बुढ़ापे में साथ देता है। तो आप काम का एक बहाना है, आप अपने पूरे मन को एक स्थिर बना रहे हैं और हेल्दी बना रहे हैं। काम का सिर्फ यही फायदा होता है, राइट। फिर दूसरा पॉइंट है कि आप काम के लिए अब स्किल्स अपने इंप्रूव करें। वो कैसे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है एक दूसरे की बात सुनना। हमारी बड़ा देखती हूँ कभी कभी कि एक बात कोई कर रहा है तो एकदम से दूसरा बात कोई बोल देता है। एक बात अगर कोई कर रहा है तो आप अगर बाहर कहीं जाएंगे, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी माँ ने भी हमेशा मुझे एक चीज सिखाई है कि सबका अच्छा लो, बुरा कभी मत। अच्छे लेने में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, राइट। तो बाहर जो अमेरिका में देखा गया है, जो कंट्रीज थोड़ी आगे प्रोग्रेस करती है, कि एक तहजीब होती है कि हम एक दूसरे से बात कैसे करें। वहां पे अगर कोई एक बात कर रहा है और बीच में कोई बात कर ले तो एकदम से वो रूल नहीं होता और वो नाराज हो जाते हैं। तो एक वहां पे रूल बना हुआ है, एक और रूल बना हुआ है कि आप कभी पब्लिक में लोगों को वहां पे फोन पे बात करते हुए नहीं देखेंगे, मोबाइल पे वो अलाउड ही नहीं है। तो ऐसी थोड़ी मैनर्स अगर आप रखें तो वो हमारे मन के लिए बहुत हेल्दी है। हम सोचते हैं कि हम क्यों, हमारे भारत में क्या कमी है। भारत अमेरिका तो हम इंसानों ने बनाया है, इंसानियत पे हम अगर ध्यान दें तो हमें कभी कोई अंतर नजर नहीं आना चाहिए। बस इंसानियत पे ध्यान दो कि हमारे को मन को क्या अच्छा लगता है। अब मेरे घर के साथ एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत ऊंची ऊंची आवाज से वो लोग चला रहे थे पिछले साल, नहीं इस साल के शुरू में।
और मेरे अंदर कुछ डर लग रहा था, तो मेरे घर वाले कुछ कहीं कुछ हद तक सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते पता नहीं कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही सोच रही हो, नहीं कुछ नहीं होगा। एकदम से बहुत तेज आवाज आई और मेरे हस्बैंड ऊपर छत पे भागे, तो हमारे छत के ऊपर एक छोटा सा वॉशिंग एरिया बना हुआ था, वो एक मशीन ऊंची मशीन ट्रक का था तोड़ गया था। और वो छत हमारी ड्राइंग रूम के ऊपर है, वो पूरा नीचे गिर सकता था। और तब जाके उन लोगों को एहसास हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे फोन दिया, मैंने ओनर को फोन करा और मैंने उनको समझाया कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे आपके पड़ोसियों को तकलीफ हो। मैंने बहुत घर बनते हुए देखे हैं, अपने देश में भी देखे हैं, बाहर के देश में भी देखे हैं, पता नहीं चलता, लेकिन जहां पे शोर हो और जहां पे शोर शांति का आदर नहीं किया जाए, वहां पे मन कभी शांत नहीं रह सकता। उसमें आप ही खुद जिम्मेदार हैं अपने मन को अस्थिर रखने के लिए। तो इसलिए एक दूसरे की बात सुनिए, कोई जल्दी नहीं, कोई गाड़ी भागी नहीं जा रही है, कोई बात कर रहा है उसको सुनिए, जैसे आप मेरी बात इतने पेशेंस से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। दूसरा पॉइंट है कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए जब आप बाहर जाएंगे काम के लिए जाएंगे, तो आप फीडबैक लीजिए। जैसे आप समझ लीजिए कि आप काम फिर से शुरू कर रहे हैं नए तरीके से, ठीक है, तो आप लोग उस फीडबैक लीजिए। कोई शर्म नहीं है कि आपका जो सेंटर के लोग हैं उनसे फीडबैक लीजिए, सिर्फ काम का फीडबैक नहीं, हर तरीके का फीडबैक। मैं कैसे बात करती हूँ, मेरे बात से किसी को बुरा तो नहीं लगता, पहले रिश्ता बनाइए। फीडबैक लेने का मतलब ये है, फीडबैक का मतलब है प्रतिपुष्टि, कि आप पहले एक दूसरे से पूछिए, पहले रिश्ता बनाइए, फीडबैक से रिश्ता बनाना। जब रिश्ता अच्छा बन जाता है तो साथ रहने का मजा ही कुछ और है ना। कभी कभार उतार चढ़ाव हो जाता है, लेकिन वो जब रिश्ता बना हो ना अच्छा, तो उतार चढ़ाव फर्क भी नहीं पड़ता, पता है कि आज लड़ाई हुई दूसरे दिन सब ठीक हो जाएगा। तो साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में एक बहुत अच्छी बात एक और समझाते हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ, कि जैसे आपको किसी बात से गुस्सा चढ़ा तो दिमाग का हिस्सा है कि गुस्सा चढ़ा और एकदम से फिर आप ठंडे हो जाते हो, शांत हो जाते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, हमारा नजरिया ये है कि हम घर गए, शांत हो गए, लेकिन वो बात हमारे दिमाग में चलती है, तो उसी से हमारे दिमाग पे असर आता है। अब मनोविज्ञान कहती है उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि अगर कोई गुस्से वाली बात हुई, कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ और उसके बाद आप शांत हो गए, तो उस शांति में ही उस बात को भूल जाओ। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मतलब जो थोड़ी देर की जो हमारी याददाश्त होती है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था, उसको अगर ना भी आए तो वो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, अगर अभी कोई बात हुई और अगर आप भूल गए तो वो अच्छा है। हाँ, अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको लगता है ये भूलना नहीं है, तो उसका कोई चिन्ह बना लो, तो उसको कहते हैं निमोनिक। तो मतलब आप एक कोई इमेज, कोई आर्ट वर्क बना लो ताकि मैं इसको भूलू ना, तो क्योंकि हमारा दिमाग, अगर वो आर्ट का एक चित्र बना लोगे तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा रहता है, सोचने से ज्यादा रहता है। तो इसीलिए जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो, अगर रिश्ता अच्छा बना हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसके बाद अगर आप उसको भूल गए तो भूल जाओ, उसके बारे में मत सोचो, उसमें थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको कोई आवाज तंग भी कर रही है, आप आवाज जो तंग कर रही है उसको भी आप ऐसे ही ट्रीट कर सकते हो, उसके बारे में मत सोचो, तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में एक शक्ति है जो आपका साथ देगी और आपको बार बार आप नहीं सोचोगे तो उसके बाद वो आपके दिमाग से बिल्कुल चली जाएगी। और दूसरे दिन अगर आपके कोई चिल्लाता है, कुछ करता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फीडबैक लेना एक तो रिश्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और काम काम में फीडबैक लेने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने लेवल लोग आते हैं, है ना। तो जैसे ही आज अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चा फर्स्ट आया है, तो 8th स्टैंडर्ड में शायद वो फेल हो गया, लेकिन वही बच्चा देखना 11वीं कक्षा में
उसको शायद प्राइज मिल रहा हो। तो कभी भी जज मत कीजिए किसी के काम को, किसी के स्किल को, किसी की काबिलियत को। आप प्लीज कभी जज मत कीजिए। हर इंसान की काबिलियत अपने वक्त पे आती है जाती है। तो कभी कभी मैंने ये चीज हमेशा एक तरीके से समझाती हूँ, वो है कि किसी की काबिलियत होती है छुप छुप ट्रेन की तरह, किसी की काबिलियत होती है मेट्रो ट्रेन की तरह, और किसी की काबिलियत होती है बुलेट ट्रेन की तरह, है? तो इसलिए हम किसी को जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान की काबिलियत उनके वातावरण से या उनके अपने मन से आती है जिस वातावरण में वो पैदा हुए। तो कभी उसको जज नहीं कीजिए, बल्कि फीडबैक लेने में कोई वो नहीं है। हमारे पास 2 मिनट और रह गए हैं। इस टॉपिक को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं अगले हफ्ते, लेकिन इस पॉइंट को मैं खत्म कर देती हूँ। इसमें 2 पॉइंट और हैं। लोगों के साथ अपना स्किल्स, और जो ऑफिस में आप जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, तो अपने स्किल को और कैसे उभारना है कि आप रचनात्मक क्रिएटिव टीम एक बनाइए। क्रिएटिव टीम क्या होती है कि क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? नए नए ख्याल आइडिया उत्पन्न होगा। तो आप एक आइडिया टीम बनाइए जिससे आप देखेंगे कि कई लोगों में क्षमता होती है, ये पोटेंशियल है कि फ्रेंकली ये पोटेंशियल मेरे में भी है कि मैं कभी कभी शायद किसी चीज में हेल्प ना कर पाऊं, ज्यादा ना बोल पाऊं, ज्यादा समझा ना पाऊं, लेकिन एक आइडिया मेरे को अगर आ जाता है तो वो किसी के काम आ जाता है। तो आई एम श्योर आप लोगों के ग्रुप में ऐसा कोई होगा जो हाथ से काम ना कर पाए लेकिन दिमाग से काम कर पाए। तो आप ऐसी टीम बना सकते हैं, उसको उनको आप क्रिएटिव टीम कह सकते हैं। शायद जो हाथ से काम कर पाए वो दिमाग से भी काम कर पाए, तो वो दोनों में काम आ जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को आप एक टीम की तरह बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट जो मैंने बात करी, पहला मैंने कहा था इम्प्रूव क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, अपनी क्वालिटी अपने काम की ठीक करिए। प्रोडक्टिविटी कैसे करनी है, कैसे करना है, फैसला लेने में एक दूसरे के साथ साथ दीजिए, इकट्ठे बैठिए, बिल्कुल जैसे स्कूल में बच्चों का सिलेबस टीचर्स बनाते हैं, फिर से सोचिए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से पूछिए कि आप बताइए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और एक दूसरे को उत्साह कीजिए, एक दूसरे का साथ निभाइए, रिश्ता निभाइए, क्योंकि काम को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कमाई कीजिए, रिश्ता बनाइए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा मैंने पॉइंट यूज आपको बता रही हूँ कि काम में आप कौन से स्किल्स को उभारना बहुत जरूरी है। पहला है एक दूसरे की बात शांति से सुना कीजिए, दूसरा आप जाएंगे तो फीडबैक लीजिए, रिश्ता भी अच्छा बनता है, और अपने बारे में भी फीडबैक लीजिए और अपने काम के बारे में भी फीडबैक लीजिए। और फीडबैक जब आपको मिलता है तो बहुत बड़ा दिल रखिए, क्योंकि फीडबैक सिर्फ मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं लेना, आपके अच्छे के लिए है, तो आप उसको दिल खोल के लीजिए। तीसरा, आप अपने एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए। मैं बताना भूल गई कि आपका प्रतिनिधि मंडल तो है ऑलरेडी, मैनेजर है, जो भी होते हैं, तो कईयों में ये क्षमता होती है कि वो उनके अंदर एक टैलेंट होता है कि वो सबको एकत्रित कर सकते हैं प्यार से। तो मैं जब लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ तो 10 लोगों में से लिटरली मैं कह रही हूँ 2 लोग होंगे जो ग्रुप संभाल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये क्षमता, ये वाला जो इंटरेस्ट, क्षमता सब में होती है लेकिन इंटरेस्ट सब में है, क्योंकि कई लोग इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, वो नहीं कर पाते, तो इसीलिए आप उनमें उनको आप ट्रेन कर सकते हैं जिनमें ये टैलेंट है कि हाँ कितने भी लोग आ जाए मैं उनको बड़े प्यार से, बहुत सब्र से संभाल सकती हूँ। और एक क्रिएटिव टीम बनाइए जो काम तो कर रहे हैं लेकिन आइडिया उनमें बहुत ज्यादा हो, तो आइडिया का टीम बहुत अच्छा बन सकता है, जिसमें क्रिएटिव रहने से कहते हैं कि इंसान की भी और सेंटर काम की भी उम्र बढ़ती है। सो क्रिएटिविटी जितना दिमाग चलता रहे उतना उम्र के लिए भी अच्छा होता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इस कंट्री का है, जापान का है, जहाँ पे लोगों की उम्र 100 से ऊपर, 110 से ऊपर आम है, मामूली है, क्योंकि वो कभी रुकते नहीं है। मैंने एक बार ये वीडियो दिखाया था सोनीपत के सेंटर में, तो उनको दिखाया था सोनीपत और एक और सेंटर में,
आई थिंक लखनऊ के सेंटर में भी दिखाया था कि कैसे वो रुकते नहीं है, चाहे अगर वो 100 साल के भी हो गए, उनके बच्चे शहर में काम कर रहे, लेकिन अगर वो 100 साल के भी हो गए वो अपने सारे काम खुद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लाइफ है वो यही है। लास्ट है इंटरपर्सनल स्किल, मतलब पारस्परिक जो एक रिश्ता है बनाना बहुत जरूरी है, कि अगर कहीं पे आप एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, तो वो समझ जाइए वो नकारात्मक है। नकारात्मक हमारे भाव में आ जाता है। अगर कहीं पे भी आपको नकारात्मक चीज नजर आए, बात हो, आपको महसूस हो जाएगा, जैसे ही महसूस हो मत लीजिए, वो आपके काम को घटा देगा। आपके दिमाग नकारात्मक नहीं लेता, दिमाग सिर्फ सकारात्मक लेता है, ये बात आप अपने अंदर बांध लीजिए। ये आई थिंक सबको जानना बहुत जरूरी है कि जब मेंटल प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो उसको पहचानते कैसे हैं। पहली बात तो ये है, पहला मैं बताना चाहूंगी कैसे पहचानना है, जो बहुत कॉमन है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाऊंगी, कि अगर एक इंसान 2 हफ्ते का आप मेजर कर सकते हैं, 2 हफ्ते वो उठता नहीं है बिस्तर से, नहाता नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं करता, या फिर 2 हफ्ते वो उसके अंदर बहुत उतावलापन है, एक तो ये आपने पहचानना है। दूसरा आप देखते हैं कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, बार बार समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन देख लेते हैं, गुस्सा देख लेते हैं। जब हमारा मन रजिस्टर नहीं करता, कुछ समझता नहीं है, तो इसका मतलब हमारे मन के, हमारे दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो गया है। तो एक तो ये है कि 2 हफ्ते का एक मेजर करना बहुत जरूरी है, और तब भी केमिकल इम्बैलेंस है, समझ नहीं पा रहे उससे भी केमिकल इम्बैलेंस है। और तीसरा ये है कि कई लोग होते हैं जो बहुत भावुक होते हैं, किसी ने कोई भी बात बोली तो रोना आ जाता है। तो एक तो ये है, और दूसरा होता है बिल्कुल इसी के तरीके, अगर गुस्सा ज्यादा खाते हैं बात कम करते हैं, तो इसको बिहेवियर प्रॉब्लम कहते हैं। जो आपका बिहेव आप ठीक नहीं करते हैं, तो बिहेवियर प्रॉब्लम को भी मानसिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। हम क्या करते हैं कि बहुत कॉमनली देखा गया है कि कोई ऊंची, कोई गुस्से में बात कर रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, तो हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं और हम उसको बदतमीज कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि ये इंसान बार बार गुस्सा खा रहा है, प्यार से समझाने से भी गुस्सा खा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर समझने की क्षमता की कमी आई हुई है, ठीक है। और बाकी अगर आप कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं लेकिन आपको आसपास कोई ऐसी कहानी सुनाई नहीं दे रही है, और आपके कान में कुछ आवाजें आ रही हैं, और आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा इंसान आपके सामने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आप बात कर रहे हैं, आप खुद से बात कर रहे हैं, कभी कभी कोई खुद से बात कर लेता है लेकिन खुद से बार बार बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो ये सारे साइंस आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस के होते हैं, ठीक है। और एक और बहुत जरूरी है, ये सोचते हैं कि जो नशा होता है वो एक बुरी आदत है, सिर्फ उसी को बोलकर हम जज करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं। जो नशा होता है वो मानसिक बीमारी ही होती है, और कुछ नहीं होता। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।